दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं, आप बेहद कामयाब लोगों को उनके नाम के साथ साथ उनके प्रोफेशन से अच्छी तरह पहचानते हैं, राइट? ज्वाइन कर लेना और कामयाब तक पहुंचना, इसके बीच में एक बड़ा डिफरेंस प्रोफेशनल अप्रोच का है, प्रोफेशनल डिसीजन का है। सचिन तेंदुलकर को आप जानते हैं, किस प्रोफेशन के लिए जानते हैं? हम में से इस हॉल के अंदर शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने कभी जिंदगी में क्रिकेट ना खेला हो, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं मेल्स की। Am I right or wrong? लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई पहचान नहीं बनी। बैट हमने भी पकड़ा कई बार अपने स्कूल के ग्राउंड में, अपने घर के ग्राउंड में बाउंड्रीज हमने भी मारी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई पहचान नहीं बनी, हमें कभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, हमने कोई पैसा नहीं कमाया। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी के अंदर जो आयाम पाया वो उस प्रोफेशन से पाया। अंतर है, शौक की तरह आपने लिया किसी खेल को, उन्होंने प्रोफेशन की तरह लिया उस खेल को। अगर सक्सेसफुल आप होना चाहते हैं तो एक बात आपको अपने आप पे साफ करनी पड़ेगी, रेदर योर ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, और जिस प्रोफेशन को आपने चुना है, इस बिजनेस को आपने चुना है, इसको आप ट्रायल के रूप में करना चाहते हो, करके देखना चाहते हो। ज्वाइन कर लिया, चार लोगों से बात की, नेटवर्क बन गया तो ठीक, नहीं बना ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको चुनना चाहते हो अपने लिए एज ए प्रोफेशन, मैंने इसको 20 साल पहले अपने लिए एज ए फुल टाइम प्रोफेशन बनाकर एक्सेप्ट किया था, एंड दैट्स व्हाई मैं कमिटेड और सबमिटेड था इस बिजनेस, इस प्रोफेशन के लिए, कि जो कुछ भी मुझे कामयाब होने के लिए करना है, आई विल डू, देयर विल बी नो एक्सक्यूज फॉर मी। सो एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने की अप्रोच के लिए आपको उस तरीके से अपने आप को डेवलप और तैयार करने के लिए मेंटली तैयार करना पड़ेगा। वेदर इट इज योर एटीट्यूड, वेदर इट इज योर विजडम, योर नॉलेज, वेदर इट इज योर अप्रोच टू द पीपल। आपको लोगों के साथ मुलाकात करते समय एक खास प्रभाव उन पर छोड़ना होगा, यह बात आपको समझनी है। और यह मुश्किल नहीं है, यह हो सकता है, यह संभव है। अगर आप अपने आप पर तैयार करने के लिए, तैयारी करने के लिए तैयार हैं, तो यह संभव है, यह मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके लिए उस लेवल की कमिटमेंट, उस लेवल की डिवोशन, उस लेवल की कन्विक्शन चाहिए जो आपको किसी प्रोफेशन में कामयाब बनाने में जरूरी होती है। मैंने कभी जिंदगी के अंदर सीखने से मुंह नहीं मोड़ा। मैं आज भी कॉन्टिन्यूसली लगातार अपने आप को सिखाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए तैयार रहता हूं। किसी भी कामयाब नेटवर्कर की तरह आपको भी ये काम, ये आदत अपने अंदर डालनी पड़ेगी। सो यू हैव टू बिल्ड दोज हैबिट्स व्हिच मेक यू सक्सेसफुल वन डे। डेली आपको लोगों से मुलाकात करनी है विदाउट एनी एक्सक्यूज। अगर आप 3 लोगों से, 5 लोगों से, 4 लोगों से डेली मुलाकात करते हो और लोगों से कन्विक्शन के साथ अपनी बात करते हो, तो रिजल्ट्स आएगा सूनर और लेटर, बट रिजल्ट्स जरूर आएगा। लेकिन वो रोज मुलाकात करने के लिए जो एक जील हमें चाहिए, जो जील हमारे अंदर आए, वो किसी के फॉलोअप करने से नहीं आएगी। वो जील हमारे सपने से आएगी अगर हमने वो सपने को डिसाइड कर लिया है कि मुझे वो अचीव करना है। मेनी टाइम्स बहुत सारे लोग आप देखते हैं इस बिजनेस के अंदर आए, ज्वाइन किया, महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना बताया, और उसके बाद इस बिजनेस से, इस प्रोफेशन से बाहर निकल गए। रीजन क्या है? लोगों ने ना कर दिया, नेटवर्क नहीं बना, उस ना को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि मैं कर नहीं सकता, और इस बिजनेस से बाहर क्विट कर गए। रीजन क्या है? क्योंकि शायद जो चीज उन्हें करनी थी, जो डिसीजन उनको लेना था अपनी जिंदगी के अंदर, अपने ड्रीम्स को लेकर, उनके पास वो कन्विक्शन था नहीं। लेकिन उसी शहर के अंदर, उसी लोगों के अंदर रहते हुए एक दूसरा व्यक्ति आता है, बड़े सपने के साथ आता है, पहले की नेगेटिविटी भी झेलता है, बहुत सारे लोग उसको भी टकराते हैं, वो कहते हैं साहब मैंने भी किया था, छोड़ दिया, बट फर्क नहीं पड़ता। एंड कुछ समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लोगों की ना सुननी पड़ती है, लोगों को झेलना पड़ता है, और जैसे सक्सेस आनी शुरू होती है, वो सक्सेस लोगों के अंदर वो बिलीव को चेंज कर देती है। दोनों में एक डिफरेंस है, एक ने इस प्रोफेशन को ट्रायल बेस पर लिया था, दूसरे इस प्रोफेशन को किसी भी कीमत पर करना है इस माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट किया था।
एक कामयाब नेटवर्क के लिए, कामयाब इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो काम नहीं करना चाहता जो काम करने में मजा नहीं आ रहा उसको। वो उस काम को अपना लक्ष्य बनाता है या उस लक्ष्य को इतना बड़ा बनाता है जिसको पूरा करने में उसको रोज अपने अंदर जोश महसूस होता है, और जब वो लोगों से मिलता है तो अपना जोश लोगों में ट्रांसफर करता है।